मुलाकात की है। राजभर ने आज स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। करीब एक घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक राजभर कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी के किनारे भी नहीं भटकेंगे, और आज उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर जाकर करीब एक घंटे तक मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद नई चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। राजभर का सियासी महत्व हर कोई जानता है। पूर्वांचल में राजभर समाज पर जो उनकी पकड़ है, जिस तरह से वैसी के साथ मुलाकात कर रहे थे, शिवपाल के साथ मुलाकात कर रहे थे, उसके बाद अब यहां पर ये बड़ा डेवलपमेंट है यूपी की राजनीति में, जब अचानक आज ओम प्रकाश राजभर ने यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आज फिर से उनकी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उनसे हुई है। सर, पूरी सरकार छोड़ के आप निकले थे, आज फिर भी उन्हीं के यहाँ मुलाकात, उन्हीं के घर, क्यों? देखिये, स्वतंत्र देव पटेल जी पिछड़े समाज के नेता हैं, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। कुछ व्यक्तिगत हमारे उनके संबंध हैं, कुछ काम था उस संबंध में हम गए थे, और पॉलिटिकल उसका कोई मतलब नहीं है। अब लोग उसका अर्थ का अनर्थ लगावें, उसका कोई मतलब नहीं है, और ये हम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा समझौता बीजेपी से नहीं होगा। बीजेपी लगातार डोरे डाल रही है आपके ऊपर, और आप कह रहे हैं मुलाकात भी हो रही हो, कह रहे हैं जाना नहीं। देखिए, मुलाकात तो हमने देखा कि योगी जी और अखिलेश जी से भी हुआ, मुलायम सिंह जी से भी हुआ। ये मिलना नेताओं का, तो नेता तो देखिए चाहे वो किसी दल का हो, एक होता है, वो अपने काम के लिए नेता मिल लेते हैं, और वो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो होते हैं वो बेचारे आपस में लड़ते हैं पार्टियों के नाम पर। तो हमारा व्यक्तिगत कोई काम था, उसी संबंध में मुलाकात हुई है, और पॉलिटिकल उसको लोग समझें तो हम फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर नेस्तनाबूद करेगा। ओवैसी से भी किनारा, बीजेपी से भी आप कह रहे हैं किनारा, जाएंगे किसके साथ? समय का इंतजार करिए। रहीमदास जी ने दोहा लिखा है, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के खेल, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। तो जल्द ही वो समय आपके पास आएगा। मुखिया ने भी आपको एक ऑप्शन दे रखा है आने का, क्या जाने के संकेत दिख रहे? देखिए, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का भी दरवाजा तो खुला है, जैसे अभी खोल रखा है, सभी लोग आ जा रहे हैं, उसी तरह सपा के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए, इन तीनों के लिए दरवाजे खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद है। कोई जगह से बीजेपी के लिए बंद है आज की मुलाकात की कोई अटकलें ना लगाई? कोई मतलब नहीं है, वो शिष्टाचार मुलाकात है, ऐसा कुछ नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। चूंकि अब चुनाव नजदीक है, अब कोई कोई से मिलता है तो लोग तर्क तुरंत सोचते हैं कि भाई गठबंधन की पहल शुरू हो गई। अब गठबंधन में देखिए, हमने एक मंत्री नहीं, हमने दो दो राज्य मंत्री छोड़ा और आठ आठ निगम छोड़ा। लोकसभा का टिकट वो दे रहे थे कि हमारी पार्टी से लड़ जाइए, अगर लड़ते तो सांसद हो जाते, लेकिन मेरी नीयत सत्ता नहीं है। मेरी नीयत, मेरी मनसा साफ साफ है, जो अति पिछड़ा समाज है, आज जो बंजारा है, बहेलिया है, अर्कबंसी है, बारी है, बियार है, राजभर है, प्रजापति है, पाल है, चौहान है, बिंद है, कश्यप है, ऐसे तमाम ऐसी जातियां हैं जिनके विषय में कोई सोच नहीं रहा है। इन जातियों को हिस्सा कैसे मिले सियासत में, इनको राजनीति में भागीदारी कैसे मिले, इसके लिए ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई है। सॉफ्ट कॉर्नर किसी के प्रति, सपा के प्रति कुछ दिख रहा है? थोड़ा सा तो क्लियर करिए, राजनीति में होता है अटकलें लगती है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। हमारा सॉफ्ट कॉर्नर साफ साफ है, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद है, और हमारा फिर कह रहा हूं कि दरवाजा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए खुला है। शुक्रिया बात करने के लिए। थे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इनका साफ तौर पे कह रहा है कि बीजेपी के लिए पूरी तरीके से डोर बंद है, और अभी जो मुलाकात हुई वो निजी मुलाकात थी, उसकी राजनीतिक अटकलें न लगाई जाए। क्या प्रसंग जी, इसके साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर ने आज स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। करीब एक घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि ये तो औपचारिक मुलाकात थी, वो
यहाँ पर अपने निजी मामले को लेकर मुलाकात करने गए थे, लेकिन राजनीति में निजी जो होता है वही सार्वजनिक होता है, और जो सार्वजनिक अभी हुआ नहीं है वो यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है। दबी जुबान से यहाँ पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा जारी रखेंगे, संकल्प मोर्चे की बात कर रहे हैं लेकिन मुलाकात भी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपने ओम प्रकाश राजभर से बात भी की है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी आपने समझा, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मुलाकात के बाद इनकार करने में, लेकिन कहानी कुछ और भी नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से कि चुनावी वर्ष है और नेताओं की मुलाकात के कहीं ना कहीं अर्थ होते हैं, बिना अर्थ के मुलाकातें ऐसी नहीं होती है। हालांकि आज मुलाकात उनकी करीब जो है प्रदेश अध्यक्ष से एक घंटे हुई बीजेपी के, और लेकिन साफ तौर पर इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ये कहा जाए कि रास्ते आज भी खुले रखता है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम बीजेपी के लिए पूरी तरीके से दरवाजे बंद है, उसे हटाने वाले जो भी लोग हैं चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, बीजेपी के लिए पूरी तरीके से बंद है। लेकिन जिस तरीके से आज मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद तो उनका इनकार, तो कहीं ना कहीं राजनीति में गूढ़ता दिखाई रही है, दिख रही है, और उसको और प्रगाढ़ करने का प्रयास जरूर जो है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में अगर फिर से वो बीजेपी की गोद में खेलते हुए दिखे तो उसमें कोई बड़ा जो है जो अर्थ देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि आज की मुलाकात कहीं ना कहीं बड़े मायने में संदेश देती है। बिल्कुल संजय, लेकिन खास बात ये है कि ओम प्रकाश राजभर की अपनी राजनीतिक स्टाइल है, बोल्ड फैसले लेते हैं, चाहे उसके लिए कुर्सी चली जाए, चाहे अपनों से बिछड़ना पड़े। एक तरफ संकल्प मोर्चा बना रहे, दिन रात यहाँ पर बीजेपी को कोस रहे हैं, और फिर निजी संबंध भी निभा रहे हैं, कह रहे हैं कि निजी मामलों के लिए मुलाकात की है। राजनीति में कुछ निजी मामले होते हैं, वो भी चुनावी साल में। बिल्कुल, ये मुलाकात के अपने एक मायने होते हैं, और जिस तरीके से मुलाकात हुई है उसके मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से आड़ी है, चाहे ओवैसी को लेकर के हो, उन्होंने ओवैसी के लोग को लेकर के गठबंधन की बात में जो है वो भी वो कतराते नजर आए, उससे भी परहेज करते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी से तो पूरी तरीके से उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी के लिए रास्ते पूरी तरीके से बंद है और बाकी दलों के लिए खुले हैं। हालांकि हल्का सॉफ्ट कॉर्नर उनका समाजवादी पार्टी की तरफ जरूर दिखा। संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे थे किस तरह से मुलाकात हुई है, मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस मुलाकात को वो निजी बता रहे हैं वो दरअसल क्या राजनीति में नियति लेकर आएगी, क्या यहाँ पर तय हो रहा है ओम प्रकाश राजभर के मन में संकल्प मोर्चा बनाकर छोटे छोटे दलों को जोड़कर जो यहाँ पर बड़ा कमाल करने की तैयारी राजभर कर रहे हैं, उसमें ये पेच जो है काफी दिलचस्प हो गया है। ओम प्रकाश राजभर ने स्वतंत्र देव से मुलाकात की है, एक घंटे तक दोनों नेताओं के बीच तब बातचीत हो रही है जब यूपी के सारे दल चुनावी जंग में जमीन पर अब पसीना बहा रहे हैं। और चलिए अब आपको बाढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे, ललितपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर बारिश की वजह से